चाहूंगी, अभी तक राजनीति के अंदर किसी को चमचा बोला जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी के भक्त को, भक्तों को, समर्थकों को भक्त बोला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी मैम, हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, समाज पार्टी है ये, कि जो बिल्कुल निस्वार्थ और भ्रष्टाचार से दूर रहती। जी हमारी भी वही बात है, ये भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं, और हम आज ये भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हम ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सब मिलकर आ रहे, सबकी पूरे प्रदेश को, पूरे देश की धन्यवाद करती भारतीय जनता पार्टी की सब सदस्य वो नाते। भाई साहब, मैं तो एक ही आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि गुंडागर्दी फैलाने वाले और उपद्रव फैलाने वालों को अब सावधान हो जाइए, क्योंकि आला रे आला मोदी आला। ये एक तमाचा है जो बबुआ बुआ और इसकी पप्पू जी की सरकार चल रही थी, ये मोदी सरकार ने आकर पूर्व बहुमत से जो सरकार बनाई है, ये हमारे देश के हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो गरीबों की सरकार है ये बात को झुठलाती है कि ये सूट बूट की सरकार है। ये जो हम लोगों ने इतना अच्छे वोट दिए मोदी जी को, इससे हुआ होना हो, हम लोग बहुत आगे जाएंगे, हमारा देश बहुत आगे जाएगा, हमारा देश तरक्की की तरफ जाएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सौभाग्य है, पहली बार जो सरकार केंद्र में है वो आज हमारे उत्तर प्रदेश में होगी, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश का विकास किस स्तर का होगा। आज जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, केंद्र ने अपनी ट्रेन पानी भर के भेजी, मुलायम सिंह जी ने वापस कर दी कि हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है। अरे जो एसी में बैठ के बिस्लरी पीने वाले, उन्हें क्या पता बुंदेलखंड में किस तरह का सूखा पड़ा, लोग कैसे मरे, उन्होंने ट्रेन वापस कर दी। अब ये नहीं होगा, क्योंकि केंद्र में भी वही सरकार होगी और प्रदेश में भी वही सरकार होगी, और इसका विकास अब आप देखिएगा 5 सालों में किस स्तर का होगा। ये उत्तर प्रदेश अब तक उल्टा प्रदेश के नाम पे जाना जाता था, अब ये उत्तर प्रदेश की तरह जाना जाएगा, अब पूरे इंडिया में सबसे अव्वल प्रदेश में जाना जाएगा, क्योंकि इसकी इतनी जनसंख्या है, ये पूरा देश में जाना जाएगा उत्तर प्रदेश में। और मोदी, हर बच्चे के मन में मोदी है, अरे मैं तो कह रहा हूँ भाजपा में नहीं, दूसरी सरकार के दिल में भी मोदी है, और मोदी की ही जीत है ये। जैसा कि अभी पता लगा है कि साहिबाबाद विधानसभा से सुनील शर्मा जी अभी बाहर 1.25 लाख वोटों से जीत के बाहर निकल चुके हैं, तो ढेर सारी बधाइयां मैं उनको देना चाहूंगी, पूरे अपने साहिबाबाद क्षेत्रवासियों के साथ, बहुत सारी बधाइयां। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सुनील शर्मा जी 1.25 लाख वोटों से जीत चुके हैं, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जश्न स्टार्ट हो चुका है, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, बीजेपी अध्यक्ष, बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता के लिए जो बीजेपी के सपोर्टर थे उनके लिए जश्न स्टार्ट हो चुका है, और ये कब रुकेगा हमें नहीं पता। आगे देखते रहिए इंडिया फायर न्यूज़ की तरफ से, हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।